हेलो स्टूडेंट, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पैरेललोग्राम, जिसे आप समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं हिंदी में, जिसे आप समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। आज आपके लिए मैं इसके वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत ही छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन इसके अंदर हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे, किस तरीके से काम करते हैं। आइए देखिएगा ध्यान से पैरेललोग्राम के बारे में, क्या साइड्स होती हैं, क्या प्रॉपर्टी होती हैं, किस तरह का फिगर होता है, क्या क्या चीज़ें बराबर होती हैं, कैसे डिफाइन किया जाएगा पैरेललोग्राम को। ये सारा जो भी है पैरेललोग्राम, आज तक जो भी आपको कन्फ्यूजन था, आज के बाद इस वीडियो को देख लेना, सब कुछ क्लियर होने वाला है। इसकी क्या प्रॉपर्टी है सब कुछ क्लियर करूँगा, तो ध्यान से देखिएगा। पैरेललोग्राम, जिसे आप समांतर चतुर्भुज बोलते हो हिंदी में, पैरेललोग्राम जो कि इंग्लिश वर्ड है, आइए देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फिगर की तरफ। पैरेललोग्राम जो होता है, तो इसकी थोड़ी एक साइड ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे, कुछ इस तरीके का फिगर ड्रॉ होता है पैरेललोग्राम। ये थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करूँ, इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, तो उसे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी फिगर अगर वो पैरेललोग्राम है, तो उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो तुम्हारी पैरेलल होती हैं। ए बी, ये जो साइड है ए बी, वो सी डी के पैरेलल होगी। ए बी पैरेलल होगी सी डी के। इसके अलावा ए डी, ये जो साइड है ए डी, पैरेलल होगी बी सी के। एक ये भी चीज़ है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जो अपोजिट साइड्स होती हैं किसी पैरेललोग्राम की, वो पैरेलल होती हैं। ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेललोग्राम की पैरेलल होती हैं। तो आप कह सकते हो ए बी पैरेलल है डी सी के या सी डी के, एंड ए डी पैरेलल है बी सी के। बात क्लियर हुई। मैं थोड़ा सा आपको पैरेलल का मीन्स बता देता हूँ। अगर ए बी और सी डी पैरेलल हैं, तो ये पैरेलल तभी हो सकती हैं तब इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल हो, जब इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल हो। यहाँ से जो डिस्टेंस है, यहाँ से ये और यहाँ से जो डिस्टेंस है, ये बिल्कुल इक्वल होगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये वाली डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर ही होगी, तभी आप ए बी और सी डी को पैरेलल बोल सकते हो। ए बी और सी डी तभी पैरेलल होंगी, तब उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी। यानी ये ए डी बराबर होगा बी सी के, आप कह सकते हो। देन आप क्या कह सकते हो, ए डी बराबर है बी सी के। तो इसका मतलब इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होती हैं, पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर मैं आगे थोड़ी सी बात करूं, ए डी पैरेलल है बी सी के, जैसा कि अभी हमने देखा था, इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ए डी पैरेलल होगी बी सी के। तो इन दोनों लाइंस का, थोड़ा इन लाइंस को देखो, ये समझाने के लिए मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। इन दोनों लाइंस अगर ये पैरेलल हैं, तो इनके जो बीच की डिस्टेंस है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो 5 सेंटीमीटर होगी, एम आई राइट। अगर दो लाइन पैरेलल हैं, तो उनके जो बीच की डिस्टेंस है वो भी इक्वल होगी। तो आप कह सकते हो ए बी इक्वल है सी डी के, ए बी इक्वल है सी डी के। तो इसका मतलब ये हुआ, पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं एंड इक्वल भी होती हैं। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, ध्यान से देखिएगा। इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर। ये जो अपोजिट एंगल्स हैं, ये इसके हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल डी इक्वल है एंगल बी के, एंड एंगल ए इक्वल है एंगल सी के। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, आप या तो ऐसे पढ़ लो, आपको समझना ही तो है, या फिर आप याद रख लो, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, हमेशा ऐसा होता है हमेशा। और प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं,
तो इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो कंसेक्यूटिव एंगल होते हैं, जो लगातार ये एंगल आया इसके जस्ट बाद ये आ गया, या फिर ये एंगल आया इसके जस्ट बाद ये आ गया, या फिर ये एंगल है इसके जस्ट बाद ये एंगल है, दो लगातार जो एंगल्स होते हैं पैरोग्राम में वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो आप लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो आप, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरोग्राम आर सप्लीमेंट्री। इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है उसे ही हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो इसका मतलब इनके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका जो जोड़ होता है, उनका जो सम होता है हमेशा 180 डिग्री होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। कुछ चीज़ें और हैं उन्हें भी चर्चा कर लेते हैं। इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उनका सम 180 आता है। इसके अलावा इसमें कुछ डायगोनल्स भी होते हैं, दो डायगोनल्स भी होते हैं। तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसके एक प्रॉपर्टी ये भी है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं इस पॉइंट को, बाइसेक्ट वाले पॉइंट को ओ का नाम दे दूं, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ AO बराबर OC एंड DO बराबर OB। इन चीज़ों को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है तो एरिया होता है इसका बेस इनटू हाइट। तो आप यहाँ से एरिया भी लिख सकते हो, सारे कॉन्सेप्ट लिख सकते हो आप। ऐसी छोटी छोटी वीडियो में बनाने वाला हूँ हर टॉपिक पर। जिस स्टूडेंट को कोई परेशानी होती है पैरोग्राम समझने में, रेक्टेंगल, क्यूबॉइड, क्यूब, जो भी हैं, स्पेयर, हेमिस्फीयर, उन सब के बारे में एक एक टॉपिक पर मैं डिटेल वीडियो देने वाला हूँ। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में यस बोल सकते हो, और अपने स्टूडेंट जो भी तुम्हारे साथ बच्चे पढ़ रहे हैं या तुम्हारे दोस्त हैं जो भी हैं, आप उनको इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो ये मैंने आज तुम्हें पैरोग्राम के बारे में सब कुछ बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम या तो क्यूब देखेंगे या कोन के बारे में समझेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।